राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत रांची पहुंचे। वह लोहरदगा में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे और 16 से 19 मई तक लोहरदगा में ही रहेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस का प्रथम और द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण वर्ग देश में कई जगहों पर हो रहा है। संघ का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें शामिल होने ही संघ प्रमुख लोहरदगा पहुंचे। इस कार्यक्रम को लेकर गोपनीयता भी बरती गई है। स्थानीय तौर पर भी संगठन ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जमीन फर्जीवाड़े में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की 10 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि ईडी ने 4 मई को छवि रंजन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पहले 6 दिन के लिए, फिर 4 दिनों के लिए ईडी ने उन्हें रिमांड कर पूछताछ की थी। नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि मामले में आरोपी रंजीत कोहली और रकीबुल हसन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह बनाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर जेएमएम रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम कोर्ट में हाजिर हुए और अपनी गवाही दी और इफ्तार पार्टी के कार्ड से संबंधित मामले को लेकर मुश्ताक आलम ने अपनी गवाही दर्ज कराई। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण और प्रदूषण समिति की बोकारो में फजीहत हो गई, जिसके बाद समिति के सदस्य विधायकों ने जिले के अधिकारियों की जमकर फटकार लगाते बोकारो परिषदन में सबकी क्लास लेते कहा कि ऐसा लग रहा है कि यहां अंग्रेजी हुकूमत चल रही है। दौरे के दूसरे दिन समिति प्रदूषण के हालात की जानकारी लेने जब वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट पहुंची तो समिति को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। उन्हें प्लांट के अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के फैक्ट्री मैनेजर रवि शर्मा ने इसे सिक्योरिटी के अधिकारियों की गलती मानी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक सरला बिरला स्कूल सभागार में बैठक की गई। बैठक प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नेता विधायक दल और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल हुए। सांगठनिक विस्तार सहित महासंपर्क अभियान पर बैठक में चर्चा की। हजारों बेरोजगारों के चेहरे पर उस वक्त खुशी से खिल उठी जब राष्ट्रीय रोजगार मेले के दौरान लगभग 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पीएम मोदी ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरण में शामिल हुए, जबकि प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, स्थानीय विधायक राज सिन्हा भी शामिल हुए। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने न सिर्फ अपने संघर्ष को साझा किया बल्कि बेरोजगारी दूर होने पर पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए उनके दूरदर्शी सोच को सैल्यूट भी किया। साहिबगंज जिले में वाटर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन राजमहल सांसद विजय हांसदा, राजमहल विधायक अनंत ओझा और डीसी रामनिवास यादव ने एक सादे समारोह में किया। साहिबगंज जिला प्रशासन ने DMFD फंड से 2 वाटर एम्बुलेंस की शुरुआत जिले की स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए किया, जिसमें इमरजेंसी हेल्थ किट के साथ साथ चालक और लैब टेक्नीशियन 24 घंटे मौजूद रहेंगे। यह वाटर एम्बुलेंस गंगा नदी के बीच दियारा इलाके में रहने वालों लोगों के लिए वरदान साबित होगा। सिमडेगा के SP कार्यालय सभागार में SP सौरभ की अध्यक्षता में मासिक क्राइम गोष्ठी का आयोजन किया गया। क्राइम गोष्ठी में सभी थाना प्रभारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। SP ने सभी थाना प्रभारियों को अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और अनुसंधान नियंत्रण सहित अन्य बिंदुओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सिमडेगा जिले के कोलेबीरा वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने अवैध साल चिरान की लकड़ी को पिकअप वैन में लाद कर ले जाया जा रहा था, जिसे बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत 85,000 के लगभग बताई जा रही है। पिकअप वैन में 59 पीसाल और चिरान का लकड़ी पाया गया। प्रभारी वनपाल हेमंत ने बताया कि वन विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।